व्रतन निदेशालय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए तलब किया है। वाड्रा को पूछताछ के लिए गुरुवार को एक बार फिर से बुलाया गया। सूत्रों की अगर माने तो ईडी की टीम वाड्रा से लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में और साथ ही उनके करीबी संजय भंडारी के बारे में सवाल कर सकती है। ईडी का कहना है कि लंदन में प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदा गया और साथ ही इसमें काले धन का इस्तेमाल भी किया गया। इससे पहले ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज करने की अपील की थी। ईडी की इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इसीलिए वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। ऐसे में उनकी जमानत खारिज करनी होगी क्योंकि ईडी उनको हिरासत में लेकर ही पूछताछ करना चाहती है। इन तमाम दलीलों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस भेजते हुए केस की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई का दिन तय किया है।